हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज फैशन यू चेतना. आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अम्ब्रेला कट लहंगा की कटिंग कैसे करते हैं, इनके बाद में वो बनकर कैसा तैयार होता है और वेयर कैसे करना है और उसको कैसे स्टाइल करना है, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एक शिफोन की मेरे पास एक साड़ी थी, उसका अम्ब्रेला कटिंग जो है वो कैसे करते हैं. ऊपर से जो इलास्टिक बेल्ट है उसका वीडियो थोड़ा सा डिलीट हो गया था, तो जो लोग स्टिचिंग जानते हैं उनको पता होगा कि इलास्टिक बेल्ट को कैसे ऐड करते हैं, तो वो वाला मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी. बट जो नॉर्मल अम्ब्रेला कटिंग जो लहंगे की होती है वो किस टाइप से होती है वहाँ पे देखने को मिलेगी. एंड यहाँ पे दो लहंगे बनाए, एक मेरे लिए और एक ताशु के लिए. सो दोनों ही लहंगे बहुत अच्छे बने हैं. सो आपके पास में ऐसी कोई साड़ी हो जिसको पहनते पहनते आप बोर हो चुके हो तो डेफिनेटली आप उसका एक लहंगा ट्राई कर सकते हो. यहाँ पे जो लहंगा बनाया है वो 5 मीटर की साड़ी को यूज़ करके मेरा लहंगा बनाया गया और 1 मीटर जो एक्स्ट्रा था साड़ी का उससे ताशु का लहंगा बनाया गया. तो जो यूज़फुल साड़ी होती है या फिर डिज़ाइन अच्छा होता है लेकिन आप पहनते पहनते बोर हो गए हो तो आप उसका लहंगा बना सकते हो. तो ये आप लोगों के लिए एक आइडिया है कि आप यूज़ जो आपकी यूज़ में नहीं आ रही साड़ी उससे आप कैसे स्टाइल कर सकते हो, लहंगा बना के उसको अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो. सो आपका साड़ी का तो आप उसको जो है लहंगे की तरह से स्टाइल कर सकते हो. और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप विदाउट दुपट्टा लहंगा चोली को कैसे स्टाइल कर सकते हो. बेसिकली अगर आप किसी लहंगे को विदाउट दुपट्टा वेयर करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसके लिए बॉटनेक ब्लाउज स्टिच करवा लीजिए. और उसका अगर बॉटनेक ब्लाउज होगा तो आप कोई लॉन्ग ज्वेलरी वेयर कर लीजिए जैसे कि मैंने वेयर कर रखी है, प्लस बैंगल्स और नॉर्मल ईयरिंग वेयर करके आप अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो. इसके लिए आप मेरा शॉर्ट्स भी देख सकते हो. विदाउट दुपट्टा आप कैसे लहंगा चोली को स्टाइल कर सकते हो वो भी आपको देखने मिलेगा. इसके साथ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नमिया हेयर रिमूवल क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छी क्रीम है. 5 मिनट में आपके अनवांटेड हेयर को अच्छे से रिमूव कर देती है. सो वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस कि इसकी लहंगे की कटिंग जो है वो कैसे करते हैं और स्टिच करने के बाद इसकी जो लुकिंग है वो कैसे आती है. सो लेट गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमने 5 मीटर साड़ी ली है, उसको फोल्ड कर लिया है 4 तरीके से, जैसे 4 लेयर्स होती है वैसे. फिर उसको ट्रायंगल शेप में लिया है. ट्रायंगल शेप ऐसे लेना है कि कॉर्नर जो है वो पकड़ आ जानी चाहिए, नीचे थोड़ा सा छूटेगा. सिर्फ आपको ट्रायंगल्स बनाना है उसको फोल्ड करते हुए, नीचे थोड़ा सा छूटेगा, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो ट्रायंगल्स बन गया है. अब हम इंच टेप की हेल्प से जितना आपको सल लेने हैं या जो आपका वेस्ट एरिया है वहाँ से हम मार्क करते हुए इसका इंच टेप से कट करेंगे. जैसे हमने लिया है 8 इंच, तो मेरा वेस्ट वैसे 4 to 5 में कंप्लीट हो जाता है, बट सल लेने की वजह से हमने इसमें 8 इंच लिया है. फिर सीज़र की हेल्प से हम इसको कट कर लेंगे. फिर बाद में हम जो लेंथ है वेस्ट से डाउन तक उसको काउंट करेंगे. यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नमिया हेयर रिमूवल क्रीम, जो कि आपको 60 ग्राम 160 रुपीज़ की मिलती है. आपको जो वैक्सिंग से और रेजर्स के कट का जो पेन होता है उससे आपको टोटली रिलीफ मिलेगा. ये एक बजट रेंज की हेयर रिमूवल क्रीम है. इसे आप जो है हैंड लेग और आपके इंटीमेट एरिया पर आसानी से यूज़ कर सकते हो. ये जो क्रीम है वो 5 मिनट में आपके हेयर को आसानी से रिमूव कर देती है. बैक साइड में लिखा हुआ है कि आपको इसके कैसे यूज़ करना है और साथ में इसके इन्ग्रीडियंट भी मैंशन है. बहुत ही बजट रेंज की क्रीम है. इस क्रीम के साथ में आपको मिलता है सिरम, जिसको आप हेयर रिमूव करने के बाद में इस सीरम को यूज़ करोगे तो आपको रेडनेस या ईचिंगनेस जो होगी वो नहीं होगी, आपको हेल्प मिलेगा और आपकी स्किन में एक अच्छा सा ग्लो आएगा, शाइन करती हुई आपको ये स्किन मिलेगी. इसके साथ में आपको एप्लीकेटर भी मिलता है जिससे आप अपने हेयर जो आसानी से रिमूव कर सकते. अब हम लंबाई की साइड से, यानी कि जितनी मेरी लेंथ है, 40 मेजरमेंट लेके इंच टेप की हेल्प से मार्क कर लेंगे. देन इसको एक राउंड शेप में लेंगे मार्क करते हुए. 40 को मार्क करते हुए राउंड शेप में हम इसका बॉटम से कट कर लेंगे. आप देख सकते हैं किस टाइप से मार्क करते हुए हमने कट किया है. इस तरीके से आपको सीज़र की हेल्प से इसको राउंड शेप में जितनी भी लेंथ है मार्क करते हुए इसको गोलाई में कट कर लेना है, बिल्कुल राउंड शेप में. फाइनल कटिंग के बाद ये कुछ इस टाइप से दिखेगा. आपको बॉटम से थोड़ा सा बिना जॉइंट का दिख रहा होगा, तो हम एक्स्ट्रा मटेरियल लेके जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे ऐड कर देंगे और इसकी जो है मशीन की हेल्प से स्टिचिंग कर देंगे. उसके साथ में हमने लिया है लाइनिंग, और लाइनिंग की भी सेम जैसे हमने लहंगे की कटिंग करी है वैसे ही कटिंग करनी है. बिल्कुल 8 इंच का ऊपर से लेना है फैब्रिक को और कट करना है वेस्ट एरिया से. नीचे फिर से ये जॉइंट आपको नहीं दिख रहा है तो हमको एक्स्ट्रा मटेरियल लेके इस जॉइंट एरिया पर लगाना है, और मशीन की हेल्प से जैसे हम ये एक्स्ट्रा मटेरियल हमने लिया
किया है और इसको जो बॉटम वाला एरिया है वैसे हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जो जॉइंट रह गया था हम उसको यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं। स्टिच करने के बाद फिर से हमको कटिंग लेना है गोले में। तो ये जो जॉइंट हमने किया था बॉटम की साइड में उसको मशीन की हेल्प से स्टिच कर दिया है। अब ये जो जॉइंट स्टिच हो गया अब इस लहंगे को पूरे राउंड शेप में जो भी बचा कुचा था वो हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर के लिए मैंने इसमें एक बॉर्डर जो है वो इस साड़ी पे जो लेस थी वही अटैच की है। सेकंड जो है हम मार्केट से लेके आए थे वो हमने अटैच कर दी है। तो दोनों बॉर्डर जो है लहंगे पे अटैच हो गए हैं। अटैच होने के बाद में जो लहंगे का फाइनल फिनिश आता है वो आपको दिखाते हैं। सो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे अम्ब्रेला कट के लहंगे की कटिंग करनी है। ऊपर जो वेस्ट एरिया जहाँ पे बेल्ट ऐड करना था उसका आप अदर वीडियो में देख लीजिएगा गाइस। बेल्ट का वीडियो था वो डिलीट हो गया था सो मैं यहाँ पे अटैच नहीं कर पाई हूँ। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हैवी बॉर्डर बनाना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको दो बॉर्डर का बताया है, आप हैवी बॉर्डर बनाना चाहते हो तो तीन या चार बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो। बट ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है कि अगर शिफोन की साड़ी या बहुत सॉफ्ट फैब्रिक या बहुत पतले फैब्रिक की साड़ी होगी तो वो इस टाइप से जिगजैग होगा उसका घेर। तो आप जो है लाइट वेट साड़ी हो तो उस पर एक बॉर्डर या दो बॉर्डर ही बनाएं तो ज़्यादा जिगजैग नहीं होगा लहंगा। सो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे एक अम्ब्रेला कट का लहंगे का कटिंग करना है और कैसे आपको जो है विदाउट दुपट्टा लहंगा चोली को स्टाइल करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, दैट इज फैशन यू चेतना। थैंक यू गाइज़।